मानसून के दौर में शहर में जल जमाव जैसी स्थिति बनी है, इसलिए नगर पालिका ने शहर के नालों का सफाई अभियान शुरू किया है। इनमें बड़े नाले जो शहर में प्रभावित होते हैं, इनमें कई जगह से नालों का पानी मिल रहा है। इन बड़े नालों की सफाई के लिए पोकलेन मशीन से नालों की सफाई करवाई जा रही है। इस तरह मशीनों से लेकर नगर पालिका एचओ बालमुकुंद कुशवाहा अपने पूरे अमले एवं कर्मचारियों के साथ संसाधनों को लगाकर नगर पालिका शहर के सभी नालों की बारिश को देखते हुए सफाई करवा रहे हैं, ताकि इस बार शहर में जल जमाव के हालात नहीं और बारिश का पानी सड़कों की बजाय नालों से होकर निकले। सिरौन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। संस्था द्वारा नगर बारिश को देखते हुए 1 जून से पहले नगर के समस्त नालों की साफ सफाई का दृढ़ निश्चय किया था। उसी तारतम्य में पोकलैंड मशीन द्वारा, जेसीबी द्वारा और जो सफाई मित्र हैं हमारे, उनके द्वारा भी नगर के विभिन्न छोटे बड़े नालों की साफ सफाई की जा रही है। जैसे पहले देखने में आता था कि कई जगह पानी का भराव हो जाता था, इसके लिए नगर पालिका द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, तो अगली बार जो बारिश होगी उसमें ऐसी समस्या तो नहीं उत्पन्न होगी ना? नहीं नहीं, ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि नगर पालिका द्वारा आज लगभग 7 से 8 दिन हो गए, 7-8 दिन से लगातार पोकलैन मशीन, जेसीबी द्वारा और सफाई मित्रों द्वारा नाले की विशेष रूप से साफ सफाई की जा रही है। इसमें है ना, पालीवाल कॉलोनी वार्ड क्रमांक 2 कॉन्वेंट स्कूल से नहर तक अपने बेगमबाग वाला नाला, इमलानी रोड वाला नाला, आरोग्य हॉस्पिटल वाला नाला, कस्टम वाला नाला और ये रावजी पथ पर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल वाला जो नाला है, जो चैम्बर है, उसको भी सफाई मित्रों द्वारा साफ सफाई की जा चुकी है। तो ये कब तक का टारगेट है, ये सफाई अभियान पूरा हो? बारिश से पहले 15 जून तक बारिश का आगमन होता है, लेकिन संस्था द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि 1 जून तक नगर के समस्त नालों की साफ सफाई सीम अच्छी तरीके से की जा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।